अबे जो नया बैच आ रहा है ना उसको रखेंगे यहाँ, उसी के लाए गए एकोमोडेशन फॉर अपकमिंग बैचेस। अबे क्या क्या जानकारी लोग से ज्यादा सामान जा रहे हैं इनके गाड़ी में बैठने के लिए। अबे दो कैब बुक कर लेते भाई। हाय मिस्टर माधव, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ से हाय पहुँचाने की क्या जरूरत है, अपने पास है तो एक हथियार वेपन। किसको हाय बोलना यहाँ बोल दो ना सीधे। नाम ही तो नहीं पता ना, नाम पता होता तो पहले हाय बोल देते यार। अबे टी शर्ट सेम है अपनी भाई। ये देखो लग रही है सेम से भाई। नहीं भाई कल एग्जाम है लास्ट, ऐसे बारिश के मौसम में लाइट चली गई। तू उसी टॉपिक पट का पड़ा है, वही तो इम्पोर्टेंट है। डिपार्ट हो चुके थे हम लोग लाइफ से। डिपार्ट लाइफ से ज्यादा डिपार्ट लग रहा है तू मुझे तेरी बातों से। प्लीज इनक्लूड मिस्टर माधव प्रिंस। चालू बारिश का ये रिकॉर्ड नहीं किया। अरे क्यों नहीं, ये प्रिंस जी हैं हमारे। ठीक है आज के इस कार्यक्रम के कार्यक्रम के स्पॉन्सर हम अपने गाना बजाएंगे। हलचल हुआ, शोर हुआ। ये हमारे हमारे लोकल डीजे हैं। नहीं नहीं लोकल डीजे नहीं, बड़े डीजे नहीं, नेपाल डीजे। आज की सनसनीखेज ये है कि एनएलयू के इतिहास में एनएलयू कैंपस में पहली बार बाढ़ आने वाला है। भाई कल लास्ट एग्जाम है और बारिश हो रही है, लाइट है नहीं है। यूनिवर्सिटी बोलने नहीं दोगे साले मेरे को, मतलब तुम इकोनॉमिक्स का पेपर बोल देगी पेपर अच्छा है हमने। नहीं यार सही स्टोरी है यार, सुना फ्लैट के एग्जाम के दिन यहाँ पे वॉशरूम बने थे, ये अंकल मस्त ऐसे वॉशरूम पहले से बने थे। अरे वॉशरूम असाइन किए गए थे ना ये। अच्छा अच्छा। एक अंकल मस्त पीछे से हाथ रख के टहल रहे रूम के अंदर झांक रहे हमारे। यहाँ से आए आदित्य सर, आदित्य सर से पूछते सर कुछ आपको चाहिए, तो बोलते नहीं मैं बस हॉस्टल देख रहा था एनएलयू के, वो मेरा बेटा क्लैट दे रहा है इसलिए। अच्छा। सर बोलते सर पहले आपका बेटा क्लैट देगा, उसका क्लैट बिगड़ेगा, उसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर वो एंट्री भरेगा, तब उसको शायद डीएनएलयू मिलेगा, शायद डीएनएलयू मिलेगा। तो इसलिए डीएनएलयू में आने के लिए क्लैट बिगाड़ना जरूरी। सही बात भाई, ऐसा नहीं है कॉलेज में जनरेटर नहीं है, बट जनरेटर भी नहीं चल रहे हैं भाई, जनरेटर भी बंद हो गए, इतनी तेज बारिश हो रही थी आज भाई। वो सब तो ठीक है, कल लास्ट एग्जाम है और किसी के मन में खौफ नहीं है भाई, सब बैठे हैं। नो सॉरो, नो ग्रीफ, नो रिपेंटेंस, नो सैडनेस। सही बात है, ओनली फन। कास्ट में जीता गया भाई, सोच इतने सारे लोग हैं, फर्स्ट ईयर के भी इतने ही है, इतने सारे बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में। तो भाई चार लगी है ना, एक दो तीन चार। हमारी क्लास में पता है 20-25 लोग होंगे मुश्किल से, जिसमें कि दो दो इन्वेलेटर आ जाते भाई, इधर इधर तक नहीं देख पाते हम। और दो दो इन्वेलेटर में और जिसमें कि संस्कार फर्स्ट बेंच पे बैठा है उसको। मैं भाई लास्ट में बैठा हूँ, लास्ट में बैठ के कुछ नहीं कर पाता, भाई लास्ट एग्जाम है और हो गया है, अब कल ही बताएंगे भाई, क्योंकि एक एग्जाम में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं गया था। हाँ सब कुछ हो गया, रिवीजन करना है बस, और उसमें मेरे हेल लग गए थे भाई, तो इसका मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, अभी कल बताऊंगा जो कुछ भी होगा। हाय संस्कार भाई, एग्ज़ाम का खौफ है, सब रिवीजन करने में लगे हैं, और आज मेरे पास भी सफिशिएंट टाइम है सुबह, तो आराम से रिवाइज कर रहा हूँ मैं। बाकी भाई अब एग्ज़ाम की बात ही बताऊँगा क्या हुआ, पहले से बोलता हूँ बिगड़ जाता है एग्ज़ाम पर। One eternity later भाई फाइनली हो गया, लास्ट एग्ज़ाम था आज, और लोग ऐसे भागे ना भाई एग्ज़ाम के बाद। ये भाई धोखेबाज लोग बोल रहे थे निकल गए हम, टपरी जा रहे हैं भाई अभी। हाय अरविंद, कैसा गया एग्जाम? इट वाज नॉट फाइन भाई, पेपर डिस्कस नहीं करना बस, तो क्योंकि कर रहा है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कैसा गया भाई।
क्या सामने क्या सामने वाला मतलब सामने से बनाना सामने से क्या भाई ऐसे बनाते रहो और कैसे बना लो साइड से घर जाने के लिए आज एग्जाम खत्म हुई है हमारी घंटा 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 घर जाने के लिए कोई नहीं एग्जाम खत्म होने के लिए अबे मैं करवा रहा था मेरी तरफ चल मैं वाड़ा पर आ जल्दी पकड़ ली ये होती है भाई दलेरी मेरी तरफ से वाह भाई कहाँ लेके जा रहे हो तुम तो अलग ही टाइप का एडवेंचर करना है बेटे को देख यहाँ पर ना वो आ रही है पानी आता है भरा जाता है वो आती है क्यों बोला भाई ये बीएसएनएल के क्वार्टर पता नहीं कौन सा एडवेंचर करने का मन कर रहे हैं अंदर घुस गए लोग नीरू में लोग चला ऐसे अबे जो नया बैच आ रहा है ना उसको रखेंगे यहाँ उसी के लाए गए उसको यहाँ रखो लाइव एट डीएनएल बनाना ब्लॉग पर हाँ डीएनएल की वेबसाइट पे यही फोटो डालनी चाहिए भाई यही एकोमोडेशन फॉर अपकमिंग बैचेस भाई ये इसके अंदर गए थे हम लोग अभी भाई कैंपस के अंदर ही है हमारे बीएसएनएल के क्वार्टर है ये इनमें कोई रहता नहीं है खाली पड़े हरकतें दे भाई बोल भाई कोई हरकतें नहीं है भाई चढ़ गए मैं मंजुली का अभी तो खाली पड़े हैं तो हम लोग ऐसे घूम के आते हैं क्या नहीं हाँ प्लीज स्माइल भाई यही काम चल रहा है लग रहा है डिमांड होने के बाद आजकल है ना भाई गरम गरम रोटियां मिल जाती हैं और क्या बस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है दैट्स इट बाकी ये गरम मिल जाती है मैं बनाऊंगी देने हां तो हम सब जा रहे हैं सोच रहे हैं कि अब घर पे जाके इंटर्नशिप करेंगे होम इंटर्नशिप करेंगे मैं मेडिकल इंटर्नशिप करने वाला हूं कैसी रही भाई जॉब आज की फिर जॉब अच्छी थी ना इसके बाद मैं मेहनत की रोटी खा रहा सही है परफेक्ट लग रहा है ऊपर नीचे कर सकते हैं मतलब इसको नीचे कर सकते हैं मैं समझ गया भाई लाइब्रेरी चलते हैं बुक वापस करके आते हैं घर जाने से पहले नहीं तो फाइन लग जाएगा एंड भाई एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो सारे लोग घर जा रहे हैं हो सकता है मैं एक दिन रुक जाऊँ अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है घर पास में ज़्यादा दूर नहीं है 3 घंटे हैं और टिकट भी इजीली मिल जाती है 2 घंटे पहले सो अगर आज चला गया तो ठीक है नहीं तो फिर कल जाऊँगा भाई देखो ये आउट पास भरना पड़ता है जब घर जा रहे होते या कहीं भी बाहर जा रहे होते कौन से उसमें भाई आज तो बहुत लोग मिलेंगे इसलिए मेरा कोई प्लान नहीं आराम से निकलूंगा मैं मवेशी घूम रहे हैं सब घर जा रहे हैं भाई हम निकलेंगे रात में यस गाइस आप देख सकते हैं हमारा एक प्रिय मित्र हर्ष कटारिया आज हमारे साथ नहीं रहेगा हॉस्टल में तो वो आज घर जा रहा है देखिए बाय गाइस और हियर इज द ब्लॉगर आती लाता रहेंगे गाड़ी क्या भी जा रही है भाई हमें छोड़ के लेकर आया हूं अरे क्या मारने आने जा रहा है क्या दो किसी लौंडों को भाई ट्रेन में जिम करेगा हेलो गाइस अरे यार नॉनवेज नहीं करना रहता माधव का काफी अच्छा दोस्त भी होगा वो ये मेरे कारण व्यूज आए ओ माय गॉड वाओ मेरे कारण व्यूज आए थे विशाल हमारा जो बहुत ही तेरे कारण नहीं आए थे तेरे मवेशी कहने के कारण आए थे भाई तुम लोग कैसे बैठोगे बेस में भाई तुम्हारा लगेज में तो गाड़ी फुल हो गई है ये देखना देखो फुल में लगेज जा रहा है फिर एक गाड़ी दूसरी आ रही है एक सिर्फ लगेज के लिए ये भाई ये तू ट्रेन में जिम करेगा क्या वहाँ जाके क्या ट्रेन में जिम करना है क्या चूड़िया बस हो गया चल ए मारेगा
भाई अबे क्या क्या कंगारी लोग से ज्यादा सामान जा रहे हैं इनके गाड़ी में बैठने के लिए अबे दो कैब बुक कर लेते भाई भाई लुक खराब हो गया रे भाई आगे बैठ के आ रहे सब बैग पकड़ा दिया वाला लुक चला गया यार अबे यार इसने दिख रहा यार चश्मा उतार दे बेजी देख ना भाई क्या हाल हो रहा है भाई बेइज्जती हो गई भाई वो गियर कार डाल देंगे बैग तो तुमने रख दिया हाय गाइस अबे यार उसके सॉकर्स दब गए भाई भाई कैसी खाली पड़ी है कैंटीन मेरे को सो गाइस अब बात कर लेते हैं कि भाई पेपर कैसा गया आज का ऑल्दो था तो पेपर ऑब्वियसली ऑन दी हार्डर साइड बट स्टिल मतलब हल्का सा टफर साइड ज़्यादा था बट ठीक है पेपर अच्छा गया है ठीक गया है लेकिन अब मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना ही मैंने किसी और से किया है क्योंकि भाई डिस्कस करने से फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो बड़ा दिमाग खराब होता है एग्जाम हो गया है जैसे मार्क्स आएंगे देखे जाएंगे और उसके अलावा यार मूड इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि जिस वाले एग्जाम से मैं अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो ठीक नहीं गया था ये तो ठीक गया अच्छा गया है आज का एग्ज़ाम तो बाकी अब मार्क्स देखे जाएंगे जो भी होता है बट एग्ज़ाम जो था ना उससे मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे अच्छे मार्क्स आए थे उसमें मिड टर्म में भी बट यार वो बहुत ही गंदा बिगड़ा है मेरा भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा गंदा मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा क्यों बिगड़ा कैसे बिगड़ा बिगड़ गया दैट्स इट अब भूल जाओ क्योंकि मैं भी भूल गया बट मैंने व्लॉग में बता दिया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि अब ये चीज़ भी शेयर कर ही देता हूँ एंड पैकिंग वगैरह भी कुछ हुई नहीं है हमारी सो और 5 बज गए ट्रेन हमारी रात में 9 बजे नींद आ रही है अब दोपहर में मैं बाहर चला गया था और मस्ती वस्ती में लग गए थे तो टाइम निकल गया पैकिंग कुछ नहीं हुई है लेकिन अब मैं सो रहा हूँ भाई क्योंकि नींद आ रही बहुत तेज नहीं तो फिर नींद आ रही बस अगली तो सोते हैं अब देखेंगे आज जा भी रहे हैं कि नहीं अब 7 बजे डिसाइड होगा अगर जाना रहेगा तो उठ के चले जाएंगे ट्रेन की टिकट 2 घंटे पहले तक बुक हो जाती है तो 9 बजे ट्रेन है हमारी अगर जाएंगे तो 7 बजे बुक कर लेंगे नहीं गए तो फिर यहीं सोएंगे आज रात भी कल जाएंगे या जो भी होता है जैसा भी डिसाइड वैसे मोस्ट प्रोबेबली निकल ही जाऊँगा आज रात में मैं सो अभी मैं सो रहा हूँ भाई भाई पूरी पैकिंग हो गई संस्कार की पूरा सामान कवर्ड से बाहर आ चुका है जो भी घर लेके जाना है और जो लेके नहीं जाना वो ऑलमोस्ट सब कुछ अंदर हो गया है ठीक है बट भाई टाइम हो रहा है अभी 8:05 और मेरी ट्रेन का टाइम भी वही है इसकी ट्रेन का टाइम भी वही है लेकिन मैं अभी तक बेड पे पड़ा हूँ ये देखो भाई पूरा सामान बाहर पड़ा वो सब कुछ सामान बाहर पड़ा इसको अंदर करना मैं उठूँगा 8:30 बजे और आधे घंटे में सब सामान पैक करके 9 बजे तक हम तैयार हो जाएंगे चलो भाई संस्कार जा रहा बाय हमने कर दिया संस्कार भाई बाय बाय बेबी सो गाइस फाइनली मैं भी रेडी हो गया हूँ एंड ट्रेन के लिए बस 25 मिनट बचे हैं तो पैक जितना उतना कर दिया मैंने और दो सामान मोस्टली सामान बाहर ही पड़ा बस थोड़ा कवर अवर कर दिया ये बेडिंग वेडिंग भी कवर कर दी अंदर नहीं रखी है संस्कार तो सब अंदर रख के गया है एंड बकेट भी सब बाहर पड़ी है देखते हैं जो भी है जल्दी से निकलते हैं अभी बस मैंने यही कवर कर दिया यार धूल ना लगे बस दैट सो अब चलते हैं जल्दी से क्योंकि भाई ट्रेन का टाइम होने वाला है एंड एज ऑलवेज हम लेट हो गए तो मिलते हैं स्टेशन पे